हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत हम लोग डिटरमाइनर्स को करने वाले हैं। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये इंग्लिश का आपका एक अध्याय है, इसमें से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो ये क्लास जो है बेसिक टू एडवांस चलने वाली है। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, ये नहीं समझ आएगा तो भी बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ आएगा, मैं उसको दोबारा रिपीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात आती है डिटरमाइनर्स, ये होते क्या है। डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो होते क्या है। डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं या फिर वे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, इनकी जो मीनिंग होती है वो उनकी अगर जो हिंदी मीनिंग देखी जाए तो क्या होते हैं, सेम सेम लगते हैं। जैसे बात की जाए मीनिंग मतलब क्या होता है, मीनिंग मतलब क्या होता है, मीनिंग मतलब बहुत होता है, मीनिंग मतलब भी बहुत होता है। और बात आती है मच, क्या मच मतलब भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ऐसे क्या होता है, फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। आ फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़ा ही होता है। और द फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़ा ही होता है। द फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़ा ही होता है। अगर जो बात आती है सम मतलब क्या होता है, कुछ होता है सम, ये सब कुछ किस्म में आते हैं। द फ्यू, आ फ्यू, उसके बाद में ए फ्यू, ये सब क्या होते हैं कुछ, उसके बाद में लिटिल हो गया, LI TT, ये लिटिल हो गया, ये सब किस किस सेंस में आते हैं, कुछ किस सेंस में आते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो इनका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे बात आती है यहाँ पर ए और एन के बारे में भी हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। ए और एन के बारे में ये क्या होते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, एक होता है, और ये इसका मतलब भी क्या होता है, एक होता है। तो ये क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक होती है। और बात आती है इनके प्रयोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे बात आती है आप लोग थोड़े थोड़े जानते होंगे, तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ए और एन के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि डिटरमाइनर्स होते क्या है। जैसे मैंने कहा कि आपको क्या होता है, जब मान लीजिए मैंने कहा सबसे प्यारा एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल, जैसे ये डैश, उसके बाद में क्या कह दिया, एप्पल। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने दे दिया ए हो दे दिया, और एक एक ऑप्शन मैंने दे दिया बी, बी में मैंने क्या दे दिया, एन दे दिया। तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए ए ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। तो यहाँ पर एन आप लोग कर देंगे, यहाँ पर एन कर देंगे और कहेंगे सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो ए यहाँ पर ए है वो ए ही क्यों नहीं लगाते, ए क्यों नहीं लगाते और एन ए यानी क्यों लगाते हैं, आखिर ऐसा क्या डिफरेंट है इन दोनों में, इसके बारे में चर्चा करेंगे एकदम से अच्छे तरीके से। हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी क्लास में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे एकदम से अच्छे तरीके से इन सभी के बारे में, सभी डिटरमाइनर्स के बारे में कैसे चर्चा करना है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीजों को एकदम से अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग आज क्या चर्चा करेंगे, आज हम लोग मच एंड मेनी के बारे में एकदम से अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और समझते हैं एकदम से अच्छे तरीके से। तो देखिए मच एंड मेनी के बारे में, तो मच क्या होता है, मच का प्रयोग कहाँ होता है और मेनी का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पर मच का प्रयोग देखिए, मच का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ और मेनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब बात आती है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो जो नाउन होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। नाउन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को क्या, एक क्या होता है, चलिए मैं एकदम से अच्छे तरीके से इसको बना दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आए सब कुछ। जो नाउन होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। बस 2 सेकंड रुकिए, सब कुछ एकदम से अच्छा अच्छा भी लगेगा, तब अच्छा भी लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए अब नाउन क्या होते हैं, प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है सिंगुलर नाउन और एक प्लुरल नाउन, ये सब यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है काउंटेबल नाउन, क्या होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। एक क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन, एक क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, नाउन रहेगा, आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर नाउन काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 करके हम लोग गिन सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। इसमें क्या आता है, जैसे बॉय हो गया, बॉय हो गया, उसके बाद में फ्रेंड हो गया, फ्रेंड्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये इनको सबको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इन सबको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे गर्ल हो गया, गर्ल हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। जिनने को हम लोग गिन सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। और जिनको हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे 1 2 3 करके हम लोग नहीं गिन सकते, 1 2 3 में बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा चीज है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो आप लोग देखिए एक बार, क्या आप लोग मिल्क को गिन सकते हैं, या मिल्क को गिन सकते हैं, या फिर आप लोग वाटर को गिन सकते हैं, आप लोग वाटर को नहीं गिन सकते।
आपने कितना वाटर पिया? मैंने दो वाटर पिया, ऐसा नहीं कह सकते। मैंने कहा आपने वाटर को गिना? नहीं गिना। आपने क्यों, आप क्या कहेंगे? मैंने 2 गिलास वाटर को पिया, या फिर मैंने 2 गिलास मिल्क को पिया। आपने गिलास गिनती की, क्या आपने वाटर को गिना कितना वाटर? नहीं जी। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इन्हें, हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे आप ईमानदारी को भी नहीं गिन सकते, इन सभी को हम लोग नहीं क्या कर सकते, नहीं गिन सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमानदारी हो गए, बेईमानी हो गए, इन सबको हम लोग नहीं गिन सकते। तो ये क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इन्हें हम लोग गिन ही नहीं सकते। अब बात आती है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन की बात आती है, तो काउंटेबल नाउन पूरा क्या, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, सिंगुलर नाउन, जिसे हम लोग गिन लिए तो आखिर वो संख्या में है कितना, एक है, दो है, तीन है, पांच है, 10 है, कितना है। तो अगर जो क्या, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, सिंगुलर नाउन, और एक क्या होता है, प्लूरल नाउन। एक क्या होता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन, जिसको हम लोग गिनकर एक कर दें, यानी कि जिसकी संख्या हम लोगों को एक रहे। जैसे बात आती है यहाँ पर बॉय, बॉय की संख्या कितनी है, एक है, क्या है, एक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन कहेंगे, ठीक है, बॉय को। अगर बात आई प्यूरल, प्यूरल को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें एक से अधिक रहेगी, किनारे रहेगी, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, इसकी संख्या का हमें अंदाजा नहीं। जैसे बॉय का हो गया, क्या हो गया, बॉयज हो गया, क्या हो गया, बॉय का बॉयज, बॉयज क्या हो गया, बॉयज की जो संख्या है वो सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया, ये 2 प्रकार के हो गए, ये सिंगुलर हो गए, ये प्लूरल हो गए। यहाँ पर जो काउंटेबल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल होता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। अब देखिए जो ये होता है, इनको हम लोग, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, उन्हीं का हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हैं। अब बात आती है कि अगर जो मान लीजिए मैंने गिना ही नहीं, मान लीजिए मैंने मिल्क कहा, मिल्क को मैंने नहीं गिना, अब ये इनको हम लोग गिन ही नहीं सकते, एक दो करके नहीं गिने, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, ये सब आपको बताया मैंने, वाटर को भी नहीं गिन सकते। तो आखिर ये सिंगुलर माना जाए या प्लूरल माना जाए? अगर जो आपसे पूछ लिया जाए मिल्क क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, कि क्या आप लोग ये जानते हैं कि जो मिल्क का प्लूरल होता है, मिल्क का प्लूरल, मिल्क का प्यूरल क्या मिल्क होता है, या फिर वाटर का प्यूरल वाटर्स होता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग ये जानते हैं मिल्क का प्यूरल क्या होता है, मिल्क होता है, या फिर वाटर का प्यूरल वाटर्स होता है? मैं आपको यहाँ पर इसका उत्तर नहीं देने वाला हूँ, क्यों, मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर मैं आपको कहाँ पर दूंगा, इसको जब मैं सब्जेक्ट वर्क कंक्लूड बताऊंगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये आम भाषा में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मिल्क क्या होता है, और मिल्क के बारे में एकदम से अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बनते, ये सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, जिसमें मिल्क एंड वाटर क्या होता है, ये होता है, जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते, उनका क्या होता है, वो सिंगुलर होते हैं। वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली कैसे रहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ये कैसे रहेंगे, ये हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, ये हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। अगर जो बात आती है, मान लीजिए मिल्क की संख्या पूछी जाएगी, तो आप लोग कहेंगे मिल्क जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। एंड अगर जो वाटर की चर्चा की जाए, तो वाटर भी सिंगुलर रहेगा। अब बात आती है जो मिल्क मैंने लिखा है, क्या मैंने जो मिल्क सीखा वो क्या है, वो प्लूरल है या फिर वो भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है या फिर ये भी सिंगुलर है? चलिए इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो मिल्क होता है वो क्या होता है, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ये क्या होता है, ये कोई वर्ड ही नहीं होता। आप लोग जाएंगे गूगल पर, क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे, मिल्क कोई वर्ड ही नहीं होता है, मिल्क का बहुवचन नहीं बनता है, मिल्क का बहुवचन क्या होता है, नहीं बनता है। ऐसे वर्ड होते हैं जो उनका हम लोग बहुवचन नहीं बनाते हैं, इसमें से क्या आता है, मिल्क आता है। कोई भी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बनता, वो प्यूरल नहीं होता है, यानी कि मिल्क का प्यूरल मिल्क नहीं होता। अगर जो वाटर की चर्चा की जाए, तो वाटर का प्यूरल वाटर्स नहीं होता है। अब आप लोग सर्च करेंगे वाटर के बारे में, तो वाटर्स का मतलब क्या आएगा, समुद्र आएगा, वाटर का मतलब क्या आएगा, समुद्र आएगा। तो ये अलग मीनिंग हो गया, वाटर का मतलब ये ज्यादा पानी थोड़ी ना हो गया, ज्यादा पानी के सेंस में लिया जाएगा, लेकिन ये हो गया क्या, समुद्र आएगा। लेकिन आप लोग जब मिल्क के बारे में चर्चा करेंगे, तो मिल्क कभी नहीं होता, ठीक है, मिल्क कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो आई होप आप लोग एकदम से अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन क्या है। जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं उन्हें हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन्हें हम लोग एक दो करके नहीं गिन सकते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, जिनकी संख्या हम लोग गिनकर एक कर दें, यानी कि संख्या में कितने बॉयज हैं, एक, दो, तीन, चार, ऐसे गिन सकते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन कहेंगे। अगर जो जिनकी संख्या हम लोग गिनकर 2 से अधिक पहुंचा दें, या फिर 2 ही पहुंचा दें, तो हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें प्यूरल कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, हम लोग प्यूरल कहेंगे। जिसे बात आती है यहाँ पर देखेंगे जो बॉयज की संख्या है वो कितनी है, ज्यादा है, 2 से अधिक है, ये मुझे यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पाया है ये संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बहुत सारे रूल को पढ़ना पड़ेगा। कौन सा रूल पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कब चर्चा करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में एकदम से अच्छे तरीके से इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर मैंने यहाँ पर कहा कि, यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था आपको,
मैंने कहा था कि मिल्क का क्या होता है, प्यूरल नहीं बनता है, आखिर मिल्क का प्यूरल मिल्क नहीं होता है, तो आखिर हम लोग जब कहेंगे मैंने बहुत सारा दूध पिया तो हम लोग उसको कहेंगे क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कहाँ पर करेंगे, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट वाले क्लास में करेंगे। हालांकि आप लोग ये जान लीजिए कि जो मिल्क का प्यूरल मिल्क नहीं होता है और वाटर का प्यूरल वाटर नहीं होता है, ठीक है। जैसे अल्फाबेट का प्यूरल अल्फाबेट नहीं होता है, लैंग्वेज का प्यूरल लैंग्वेज नहीं होता, ठीक है। इन सभी का अगर जो आप लोग देखेंगे एकदम से अच्छे तरीके से तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एकदम से अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा काउंटेबल नाउन क्या, अनकाउंटेबल नाउन क्या, सिंगुलर क्या, प्लूरल क्या, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं आज के सेशन को और समझते हैं एकदम से अच्छे तरीके से। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। देखिए यहाँ पर मच एंड मेनी का उपयोग दिया गया है। मच का मतलब क्या होता है, मच का मतलब भी अधिक होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया मच का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। एंड अगर जो बात की मेनी का भी मतलब क्या होता है, अधिक होता है, मेनी का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। मेनी का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। अब काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, मच का प्रयोग कहाँ होगा, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क, मिल्क जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। वाटर, होनेस्टी, ये सबको हमको क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं गिन सकते, ठीक है। चाइल्डहुड, बचपना, ये सब हम लोग नहीं गिन सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और इनके साथ हम लोग अगर जो अधिक का सेंस लगाना रहेगा तो हम लोग क्या इसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट, ये किसका शो करते हैं, ये लार्ज अमाउंट को शो करते हैं, ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या में शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, द पार्टी वॉज सो मच फन, फन यानी कि इंजॉय जो होता है, फन उसी के सेंस में लिया जाता है। तो क्या हम लोग इंजॉय को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 इंजॉय, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत सारा क्या लिया, आनंद लिया पार्टी में, मैंने बहुत सारा आनंद लिया, उसने बहुत सारा आनंद लिया, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने का मतलब क्या है, मच, मच का जो प्रयोग आया है वो किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, ये फन के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, डिड आई डिड नॉट गेट मच स्लीप लास्ट नाइट, क्या आपने स्लीप को मैंने बहुत सारा सोया, मैंने देखिए यहाँ पर मैं सोया था, मैं रात को कितनी, मैं पिछले रात को बहुत ज्यादा सोया था, बहुत ज्यादा सोया था, एकदम। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको गिने कितना किया है, 1 2 3 4 के इतना ज्यादा कर दिए, नहीं आपने 1 2 करके नहीं गिना कि मैंने इतना 5 सोया 7 सोता, तो ऐसा नहीं कहते ना, सोते 5 सोते 7 सोते 8 सोते, ऐसा नहीं कहते। जिनके बारे में उनके लिए हम लोग इनका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग मेनी का एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको एकदम से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो देखिए जो मनी आएगा वो मनी हमेशा कैसा रहेगा, वो अनकाउंटेबल रहेगा। एक मैं आपको यहाँ पर एक और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो मनी रहेगा वो कैसा रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। अगर जो बात आती है यहाँ पर रुपीज, अगर जो बात आती है रुपीज रुपीज एंड डॉलर, रुपीज एंड डॉलर की चर्चा की जाए तो वहां पर क्या रहेगा, ये दोनों क्या रहेंगे, काउंटेबल रहेंगे, ठीक है। रुपीज एंड डॉलर क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। वहीं पर मनी की चर्चा की जाए तो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मेनी के बारे में दिया गया, मेनी किसके प्रयोग होता है, काउंटेबल के नाउन के प्रयोग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया एप्पल, एप्पल को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ये भी ज्यादा संख्या को डिनोट करता है, यानी कि मैंने कहा था इसका पहले ही मतलब बताया था कि इसका मतलब भी अधिक होता है, इसका मतलब भी अधिक होता है, ये लार्ज अमाउंट को शो करता है, ये भी लार्ज अमाउंट को शो करता है। अब बात आती है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते, यहाँ पर हम लोग इसको गिन ही नहीं सकते, मिल्क, वाटर, स्लीप, होनेस्टी, ये सब हम लोग नहीं गिन सकते। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। एंड अगर जो बात की जाए जिसको हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके गिन दें, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेनी का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मेनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, डेफिनेटली ये तो नवोदय के एग्जाम में काम आएगी आएगा, साथ ही साथ आपको 12th या ग्रेजुएशन तक भी आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, सी इज ए मेनी फ्रेंड्स, फ्रेंड को आप लोग गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने कहा, वह कोई कह रही है कि मतलब क्या, वह मेरे पास बहुत अधिक दोस्त है, मेरे पास बहुत अधिक दोस्त हैं, तो कितने दोस्त हैं, वो कैसे, अगर जो वो उसे पूछ लिया जाए कितने दोस्त हैं, तो वो कहेगी 5 दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, कुछ भी कह सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बता दी गिन के ना। लेकिन अगर जो आप लोग को यहीं पर पूछ लिया जाए कि आपने कितना इंजॉय किया, तो आप लोग कितना बताएंगे, 5 इंजॉय किए, 8 इंजॉय किए, ये सब नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए इसका प्रयोग हुआ है, मच का प्रयोग हुआ, ठीक है। बस आपको क्या क्वेश्चन करना है कि कितना कितना मतलब हमें गिनती में चाहिए, तो आप वो बताएंगे एकदम से अच्छे तरीके से। देयर आर नॉट मेनी पीपल हियर, यहाँ पर ज्यादा मतलब पीपल नहीं है, ज्यादा पीपल नहीं है या अधिक पीपल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पीपल नहीं है, 5 पीपल नहीं है, अधिक नहीं है, 10 12 15 कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर अगर जो कितने का आंसर कहेंगे तो क्या आएगा, मेनी का अगर जो प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कितने का आंसर क्या लगेगा, गिनती देगा, नंबर देगा, एक फिक्स संख्या देगी, ठीक है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मेनी का प्रयोग करेंगे। एंड अगर जो बात की जाए यहाँ पर देखेंगे, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू यू वन, ठीक है, इसका भी आप लोग क्या कहेंगे, मेनी का प्रयोग हुआ है।
अब चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं एकदम से अच्छे तरीके से, ताकि आपको एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि मच का प्रयोग कहाँ होना है, मिनी का प्रयोग कहाँ होना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ, आप लोग बताइएगा, कुछ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, हाउ इज दी इंटरेस्ट फीस, देखिए यहाँ पर हाउ मच या मिनी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट फीस की चर्चा की गई है। तो इंटरेस्ट फीस को आप लोग जमा करते हैं तो कितना गिन सकते हैं ना, जैसे ही हमने कहा कि आपने गिन सकते हैं तो गिन सकते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, मेनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी इज इंटरेस्ट फीस, ठीक है। अगर मच का प्रयोग आप लोग यहीं पर कर देंगे, मान लीजिए मैंने दो आपको विकल्प भी दे दिया, दो और एक्स्ट्रा दे रहेंगे आपके एग्जाम में, मैं आपको दे रहा हूँ एक क्या मच एंड एक दे रहा हूँ मिनी मिनी, ठीक है। आप दोनों में से बताएंगे कि इनका कौन सा होगा, ठीक है। बाकी आप लोग सोचते चलेंगे और बताइएगा टेलीग्राम पर कि आपका कितना सही था। डज सी वांट्स ड्रेसेस, ड्रेसेस देखिए एक और मैं बात बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको यही पर बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसको कहा कि मैं इसको हम लोग गिन ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने कहा इसको गिन ही नहीं सकते, इसका मैंने ये भी साथ में साथ कहा कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, प्यूरल भी नहीं बना सकते, क्या हम लोग मिल्क नहीं बना सकते, नहीं वाटर बना सकते। तो आप अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको बनाया प्यूरल, बनाया प्यूरल, बनाया किसको बनाया, काउंटेबल नाउन को बनाया। यानी कि अगर जो बात आती है, जो भी प्यूरल दिखेगा, यानी कि लास्ट में ये सब जो लगा दिखेगा लास्ट में, ये एकदम से फिक्स रूल नहीं है, इंग्लिश में कोई रूल नहीं चलता है पहली बात। और रूल किस लिए बनाए जाते हैं कि आपको एकदम से अच्छे तरीके समझ में आए, ठीक है। रूल नहीं चलेगा हमेशा, तोड़ ना तोड़ मिलेगा, किसी ना किसी का हमेशा टूट जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एकदम से अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर यह दिखेगा वो क्या होगा, वहां पर ये क्या क्या रहेगा, अगर जो प्यूरल का सेंस दे रहा है, नाउन के साथ लगा है और प्यूरल का सेंस दे रहा है, तो वो क्या होगा, पक्की बात है काउंटेबल होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने क्या कहा आपको, कोई भी रहेगा, कोई भी नाउन है, नाउन के लास्ट में यस या यस लगा है, नाउन के लास्ट में यस या यस लगा है, ठीक है, वो अगर जो प्यूरल का सेंस दे रहा है, किसका सेंस दे रहा है, प्यूरल का सेंस दे रहा है, तो पक्की बात है वो काउंटेबल होगा। क्यों, क्योंकि काउंटेबल का पार्ट ही है प्यूरल। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए अब एकदम सच्चे तरीके समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्रेसेस दिया गया है, ड्रेसेस की संख्या, यानी कि इसमें बहुवचन बनाया गया है, ई एस लगा कर क्या बनाया गया है, बहुवचन बनाया गया है। तो बहुवचन बनाया गया तो ये कैसी होगी, कैसी होगी, काउंटेबल होगी। क्यों, आपने क्यों कहा काउंटेबल होगी, काउंटेबल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक क्या होता है, सिंगुलर होता है। एंड अगर बात आती है एक क्या होता है, प्यूरल होता है, एक क्या होता है, प्यूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेसेस की संख्या की दी गई, अधिक दी गई है, यानी कि यहाँ पर प्यूरल बनाया गया है, यहाँ पर ईएस लगा करके बनाया गया, प्यूरल बनाया गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा, मेनी आएगा, क्या आएगा, मेनी आएगा, ठीक है। हाउ डैश कार्स, कार्स यानी कि ये इसको क्या बनाया गया, प्यूरल बनाया गया, और प्यूरल बनाने की वजह से हम लोग क्या यहाँ पर लगाएंगे, मेनी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लोग मेनी लगाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी कार्स इन दी गैलरी, ठीक है। ही डज नॉट नीड डैश मिल्क, यहाँ पर मिल्क दिया गया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर मिल्क यानी कि मिल्क को हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि मिल्क मतलब क्या होता है, दूध होता है, दूध को हम लोग गिन सकते हैं। आपने कितना दूध पिया, मैंने 4 दूध पिया, 5 दूध पिया, नहीं आपने 5 गिलास दूध पिया, 6 गिलास दूध पिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गिना, अभी मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर ध्यान दे दे रहा हूँ एकदम से अच्छे तरीके से, आप लोग इसको सोच कर पी जाइए, घोट कर पी जाइए। देखिए आप एक एग्जाम्पल ऐसे याद कर लीजिए, ये सब याद करने की जरूरत है नहीं है। देखिए मच मिल्क और मेनी बॉयज, मेनी बॉयज, मेनी बॉयज, ऐसे आप लोग याद करिए, मच मिल्क मेनी बॉयज, मच मिल्क मेनी बॉयज। जैसे ही आप लोग ये दोनों याद रखेंगे, तैसे आपको याद आ जाएगा कि मच के साथ किसका प्रयोग होगा, मिल्क का। अब मिल्क कैसा अनकाउंटेबल है, एंड अगर जो बात की जाए मेनी बॉयज, बॉयज कैसा है, बॉयज क्या है, बॉयज काउंटेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इट इज डज नॉट नीड ए, क्या रहेगा, मच रहेगा या मेनी लगाऊँ, तो यहाँ पर आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैं वही लगा दूँ, तो बिल्कुल हाँ एकदम सच्चे तरीके से आप सही बताए हैं, क्या लगाया जाएगा, मच लगाया जाएगा, ठीक है। देयर आर नॉट वुमेन पार्टिसिप, तो यहाँ पर वुमेन अगर जो बात आती है, यहाँ पर देखिए यस नहीं लगाया गया है, यस नहीं लगाया गया, क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि जो वुमेन होता है यहाँ पर, अगर जो वुमेन की स्पेलिंग देखी जाए, वुमेन वुमेन का ये क्या होता है, ये स्पेलिंग होता है, ठीक है। वुमेन का स्पेलिंग ये क्या होता है, एक है, यानी कि ये किसका सेंस देता है, सिंगुलर का देता है। अगर जो प्यूरल वुमेन का, अगर जो प्यूरल पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, उमेन बताएंगे, यहाँ पर ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्यूरल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्यूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये बी प्यूरल हो गया, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, औरतें, औरतें औरतें को आप लोग गिन सकते हैं, कितनी औरतें, 5 औरतें, 8 औरतें, 10 औरतें, 11 औरतें, 12, 15, 20, 100, कुछ भी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। गिन अगर जो जैसे मैंने कहा गिना, तैसे आप लोग क्या लगाएंगे, मेनी लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, मेनी लगाएंगे। देयर आर नॉट मेनी वुमेन पार्टिसिप पार्टिस। बाकी यहाँ पर देखिए छठवें में क्या दिया गया है, छठवें में दिया गया हाउ डेस पीपुल आर देयर इन दी वर्ल्ड, तो बताइए इसका क्या समझ जाएगा, पीपुल
पीपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं या फिर नहीं गिन सकते? पीपल को हम लोग गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। कितने लोग थे? तो क्या देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, पूरी जो विश्व में कितने लोग हैं, पूरे विश्व में कितने लोग हैं, यहाँ पूरे विश्व में कितने लोग हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? कुछ बताएंगे, करोड़ों में बताएंगे, अरब बताएंगे, कुछ बताएंगे, जितनी होगी आप लोग सोशल में जानते भी होंगे, पढ़ाया गया होगा, तो सिलेबस में होगा तो पढ़ाया गया होगा कितने लोग होते हैं, क्या होते हैं, इन सभी के बारे में एकदम से अच्छे तरीके से आपको बताया गया होगा। सोशल की बात यहाँ पर आती नहीं है, यहाँ पर बात आती है कि कितने लोग होंगे, यानी कि लोग को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वर्ल्ड में कितने लोग होंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कितने लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनकी संख्या अरब में भी हो सकती है, लाख में भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो बात आती है आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप लोग बताएं 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आप लोग ये क्या हो गया, इसको गिन सकते हैं। तो गिनने की अगर जो सेंस आया तो मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया। जैसे ही गिनने का सेंस आएगा तब आप क्या लगाएंगे, मैंने लगाएंगे, ठीक है। आई डू नॉट हैव मनी, जैसे मैंने कहा आपको मनी अगर जो रहेगा, मनी क्या रहेगा, मनी हमेशा क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। और जो रुपया एंड डॉलर की बात की जाए तो वो क्या ऐसा रहेगा, काउंटेबल रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे वो करते हैं और समझ जाते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आई डू नॉट हैव क्या रहेगा, मनी क्या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होने की वजह से हम लोग क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे, ठीक है। सोरोन डज हैव डज नॉट हैव डैश फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यस लगाया गया है, फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड का मतलब क्या हो गया, फ्रेंड का मतलब क्या हो गया, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, कितने फ्रेंड, 5, 8, 10 के कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैनी का प्रयोग आ गया, ठीक है। बाकी मैं आपको लिए 2 छोड़ दे रहा हूँ, 9 एंड 10 नंबर छोड़ दे रहा हूँ। इसका क्या करेंगे आप लोग, टेलीग्राम पर इसका आंसर बताएंगे, क्या करेंगे, टेलीग्राम पर इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर क्या करेंगे, इन दोनों 9वें नंबर का और 10वें नंबर का आंसर बताएंगे। 9वें का आप लोग क्या लिखेंगे, 9वां ऐसे लिखेंगे, उसका लिखेंगे मैनी रहेगा तो मैनी लिखेंगे, मान लीजिए मैनी रात मैनी लिखेंगे, मच रात तो क्या लिखेंगे, मच लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। अगर जो फिर 10 लिखेंगे, 10 लिखने के बाद फिर मैनी रहेगा या फिर मच रहेगा, इन दोनों में से आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या एच डब्ल्यू है, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग टेलीग्राम पर बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्विस्ट बता दे रहा हूँ आपको एकदम से अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता भी चल जाए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या करिएगा आप लोग बताइएगा, मैंने आपको कहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग अधिकतर देखेंगे, क्या देखेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से देखेंगे भी। देखिए जो मच होता है, मच होता है वो किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ। अगर जो मैनी की चर्चा की जाए तो मैनी के साथ क्या आता है, मैनी के साथ क्या आता है, काउंटेबल के साथ आता है, काउंटेबल के साथ आता है। मैंने इन दोनों को कहा कि ये दोनों किसके किसको रिलेट करते हैं, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सही ये क्वेश्चन एकदम से अच्छे तरीके से सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए मच एंड मैनी, तो देखिए ये किसका सेंस देता है, ये अधिक का सेंस देता है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ देता है, ठीक है, अधिक का सेंस देता है, अधिक का सेंस देता है। अगर जो अधिक का सेंस दिया, देखिए अधिक का सेंस दिया, अधिक का मतलब क्या हो गया, 2 से अधिक हो गया, 5 से अधिक हो गया, तो यहाँ पर जो मैनी के बाद में आएगा, वो मैनी के बाद में क्या आएगा, हमेशा प्यूरल नाउन आएगा, क्या आएगा, हमेशा प्यूरल नाउन आएगा, ठीक है, हमेशा कैसा नाउन आएगा, प्यूरल नाउन आएगा, ठीक है, यानी कि हमेशा क्या आएगा, बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, मैनी के बाद में क्या आएगा, मैनी के बाद में हमेशा कैसा आएगा, बॉयज आएगा, ना कि बॉय, बॉयज हालांकि आते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वहां पर, लेकिन ये जो होते हैं मैनी और जो बॉयज एकदम साथ में है तो क्या लगेगा, मैनी बॉयज, यहाँ पर क्या आते हैं, हमेशा प्यूरल आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी एकदम से अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि जहां पर प्यूरल आया वहां पर क्या आया होगा, मैनी का प्रयोग होगा। अगर जो यहाँ पर ये किसके लिए रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर आता है, ये कैसा रहता है, जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। अगर जो बात आती है कि आप लोग बाल को गिन सकते हैं, बाल को गिन सकते हैं, नहीं नहीं गिन सकते, शुगर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ये सब भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ये सब कुछ फेमस फेमस एग्जाम्पल थे जिनको मैंने आपको कराया, यदि आपको समझ में आया तो आप लोग बताइएगा, ये नहीं समझ आया तो भी बताइएगा, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। बाकी इन दोनों का आंसर क्या करेंगे आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जरूर बताएंगे, गलत बताएंगे सही बताएंगे कुछ भी करके बताएंगे। यहाँ पर शुगर के बारे में दिया गया है, ठीक है, शुगर क्या होता है, शुगर अनकाउंटेबल होता है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया, यदि समझ में आया तो आप लोग बताइएगा, ये नहीं समझ आया तो भी बताइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, अगर जो आप लोग बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, ठीक है। तो बाय प्यारे बच्चों।